जो आर्ट आर्किटेक्चर है वो खजुराहो के मंदिरों का अद्वितीय है। तो बड़े वंडर ऑफ सेवन है ताजमहल, बट उसमें तो क्या है एक हिसाब से वो एक वहाँ का वो है कब्र का है। यहाँ के उस समय के इसमें कल्चर है, फिलोसफी है, मैथोलॉजी है, सभी देवी देवता हैं। तो इसको आप देखिए, एक एक्सप्रेशन देखिए, इसमें मूर्तियां बहुत सुंदर है। लगभग 1000 साल पुराना ये मंदिर है और अभी भी सही सलामत है। चित्रगुप्त मंदिर है, उसमें सूर्य भगवान और चित्रगुप्त जी जो मरने को प्राण लेखा जोगा करते हैं ना यमराज के सिस्टम, उनकी मूर्ति भी बनी। जब इस्लामिक आक्रांता यहाँ पे आए थे तो बहुत सारे जगहों पे तोड़ने का प्रयास किए, बहुत सारे 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिर बनाए, 22 राजाओं ने मिलकर 85 मंदिर बनाए। प्रॉपर लाइट अंदर आ सके इसके लिए भी प्रॉपर खिड़कियों का व्यवस्था किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, तो दीज आर ऑल टेम्पलर नॉन एक्टिव टेम्पल, इसलिए इसको टेम्पल नहीं मॉन्यूमेंट बोलते हैं। यहाँ पे G20 का मीटिंग होने वाला है, 20 देशों से जो है अलग अलग डेलीगेट्स आने वाले। व्हाइट मार्बल का पूरा जो है शिवलिंग है, तोड़ने वाले इतने बलशाली नहीं थे जो मंदिर को तोड़ पाए। 85 मंदिरों का समूह ये खजुराहो का मंदिर है और ये मुख्य मंदिर है। अंदर आप लोगों को शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा और 2 दिन बाद यहीं पे G20 का मीटिंग होने वाला है जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी आने वाले हैं। और ये अपने आप में मध्यकालीन का जो है एक अद्भुत कला है। लगभग 1000 साल पुराना ये मंदिर है और अभी भी सही सलामत है। ध्यान से देखिए, आधुनिक भारत के आधुनिक इंजीनियर इस मंदिर को, ये 1000 साल पुराना खजुराहो का मंदिर है और आज भी सही सलामत है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। यहाँ पे G20 का मीटिंग होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, 20 देशों से लोग आने वाले हैं यहाँ पे। जानते हैं काहे कि पुरानका इंजीनियर सब इसको बनाया है, नायका इंजीनियर बनाता तो मोदी जी ऊपर से मंदिर में गिर जाता। तो सीखने की जरूरत है कहीं, नहीं तो कहीं जब टेक्नोलॉजी उतना हाई लेवल पे नहीं था तब जो है इतना भव्य इतना बढ़िया मंदिर बन सकता था, इतना बढ़िया बढ़िया राजा का महल बन सकता था, तो आज भी बन सकता है। बस ईमानदारी पूर्वक आप लोग प्रयास करें और मोदी जी से भी विनती करना चाहता हूं कि G20 का आप मीटिंग यहां पे कर रहे हैं तो इंजीनियरों को भी कुछ यहां से संदेश दीजिए ताकि आधुनिक भारत को बनाने वाले आधुनिक इंजीनियर जो है भ्रष्टाचार ना करें और इस प्रकार का भवन बनाने का प्रयास करें, इस प्रकार का डिज़ाइन बनाने का प्रयास करें। ध्यान से देखिए, 1000 साल पुराना ये मंदिर इस प्रकार से बनाया गया है कि आज भी आने वाले को किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। लेकिन अभी के समय में फ्लाईओवर पास किया जाता है, 5 साल बाद उसके ऊपर जाम लगने लगता है, क्योंकि ये इंजीनियर को पता है कि 5 साल के बाद जाम लगेगा तो फिर से तोड़ेंगे फ्लाईओवर और फिर से उसको चौड़ा थोड़ा सा बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे फिर चौड़ा बनाएंगे, तो ऐसा ना हो। और ये अपने आप में जो है वास्तुकला का जो है एक नमूना है खजुराहो टेम्पल। हालाँकि जब इस्लामिक आक्रांता यहाँ पे आए थे तो बहुत सारे जगहों पे तोड़ने का प्रयास किए, बहुत सारे मूर्तियों को नष्ट करने का प्रयास किए, लेकिन वो कर नहीं पाए। और देखिए ये सारा देख सकते हैं, ये सारा जो है मूर्ति है और यहाँ ये सारा फोटो जो है अपने आप में पूरी दुनिया में जो है अक्सर वायरल होते रहता है अक्सर। और इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है कि उस समय तो लाइट था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था था नहीं, यहाँ पे प्रॉपर लाइट अंदर आ सके इसके लिए भी प्रॉपर खिड़कियों का व्यवस्था किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर, और सनलाइट डायरेक्ट जो है मंदिर के अंदर इससे आ सकता था। सर यहाँ पर कितना मंदिर है? सर यहाँ 9वीं से 12वीं शताब्दी तक चंदेल राजाओं के द्वारा 85 मंदिरों का निर्माण किया गया था। अभी कितना मंदिर है वर्तमान में? अभी 22 से 25 मंदिर हैं। और जहाँ पे खड़े हैं उस मंदिर का क्या नाम है? इसका नाम है कंदारिया महादेव, जो वेस्टर्न ग्रुप के अंतर्गत आता है। और इसके अंदर शिवलिंग है व्हाइट मार्बल का। इसको महाराजा विद्याधर चंदेल ने बनवाया था 1025 से 1050 के मध्य। और इसको जो है यहाँ का अमरनाथ भी कहा जाता है, अमरनाथ भी कहा जाता है। और ये जो मंदिर है वो मंदिर का नाम क्या? जगदम्बी के मंदिर है, देवी जगदम्बी जी। इसको धंगदेव राजा के द्वारा बनवाया गया था इस मंदिर को। हाँ, देवी जगदम्बी। और इसके आगे जो मंदिर है वो चित्रगुप्त मंदिर है। उसमें सूर्य भगवान और चित्रगुप्त जी जो मरने को प्राण लेखा जोगा करते हैं ना यमराज के सिस्टम, उनकी मूर्ति बनी हुई है, उनकी मूर्ति बनी हुई। और सामने जो मंदिर दिख रहा है ये आपका विश्वनाथ मंदिर है, उसको धंगदेव ने बनवाया था। वो एक्चुअली कंदरिया मंदिर की कॉपी है। और उसके सामने शिव जी का वहाँ नंदी भी बना हुआ है, तो जाना आप जरूर देखना। और सबसे मेन टेम्पल यहाँ का लक्ष्मण टेम्पल वो दिख रहा है, वो विष्णु जी का मंदिर है, वो मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। उसके बगल में है आपका मतंगेश्वर का मंदिर, यहाँ कल वरात निकली थी, इसमें 9 फीट का शिवलिंग है, वो एक्टिव मंदिर है। 9 फीट का शिवलिंग नहीं, 18 फीट का है, 9 फीट अंदर और 9 फीट नीचे बना है।
तो दिखता 9 फीट है, दिखता 9 फीट तो सबसे पहले मंदिर वही बनाया था, टोटल 18 फीट का सिर्फ। और 9वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिर बनाए थे, 22 राजाओं ने मिलकर 85 मंदिर बनाया था। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, जैसे ऊपर बहुत सारे भी यहाँ मूर्ति है, या तो वो मुगल पीरियड में तोड़ी गई, या कुछ नेचर से टूट गई, या कुछ लोकल पीपल के द्वारा तोड़ी गई। हाँ, तभी तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अनुसार कभी अपन लोग खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। हाँ, तो दीज आर ऑल टेम्पल आर नॉन एक्टिव टेम्पल, इसलिए इसको टेम्पल नहीं मोनूमेंट बोला जाता है, मोनूमेंट बोला जाता है, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट। हाँ जी, और यूनेस्को साइट है 1986 में, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में। हाँ, अच्छा ये बताइए, ताजमहल कभी देखने गए हैं कि नहीं आप? मैंने देखा हुआ है। अच्छा, ताजमहल ज्यादा खूबसूरत है कि ये मंदिर ज्यादा खूबसूरत है, कलाकृति के हिसाब से अगर देखते हैं तो? हिसाब से नहीं, मैं खुद बता दूं, जो आर्ट आर्किटेक्चर है वो खजुराहो के मंदिरों का अद्वितीय है, वो बड़े वंडर ऑफ सेवन है ताजमहल। हाँ, बट उसमें तो क्या है, एक हिसाब से वो एक वहाँ का वो है कब्र है, कब्र का है। हाँ, यहाँ के उस समय के इसमें कल्चर है, फिलोसफी है, मैथोलॉजी है। हाँ, सभी देवी देवता हैं, तो उसको आप देखिए कि एक एक्सप्रेशन देखिए, इसमें मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। जब हम लोग समझाते हैं तो समय की लाइफ है 1100 साल पहले, उस समय का लिविंग स्टैंडर्ड है, कल्चर है, देवी देवता हैं, तो ताजमहल इसके सामने कुछ नहीं है, ताजमहल इसके सामने कुछ नहीं। हाँ, मेरे के हिसाब से जितने पर्यटक मैं घुमाता हूँ तो 95% यही बोलते हैं, सर इसको देखने आई खजुराहो के मंदिरों को, ये बहुत सुंदर मंदिर है, ये बहुत सुंदर मंदिर है, नजरिया है देखने का। चलिए, नजरिया है और ये अब निकल रहे हैं कहीं। हाँ, एक्चुअली गेस्ट हैं। हाँ जी, नहीं हाँ, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता। पूरा एक्सप्लेन तो आप कर ही दिए, इससे ज्यादा एक्सप्लेन कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, और मोदी जी जैसा पानी पी पी के जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे G20 का मीटिंग होने वाला है, 20 देशों से जो है अलग अलग डेलीगेट्स आने वाले हैं, यहीं पे वो मीटिंग होगा, इसलिए इस जगह पे मीटिंग हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप में एक अद्भुत जगह है, और कहीं नहीं तो कहीं जो हम लोग ताजमहल को देखने जाते हैं और भी बहुत सारे जगहों को देखने जाते हैं, हमें कंपेयर करने की ज़रूरत है कि आखिर इसके अंदर क्या है। विश्वनाथ टेम्पल के तर्ज पे वो विश्वनाथ मंदिर बनाया गया, इसलिए कि जो लोग विश्वनाथ मंदिर देखने बनारस नहीं जा सकते या दर्शन करने नहीं जा सकते, वो यहाँ के लोग जो है यहीं पर दर्शन कर लें। सामने जो है वो विष्णु भगवान का मंदिर है, मंदिर का नाम है लक्ष्मण मंदिर। ये जो है जो लोग अमरनाथ नहीं जा सकते हैं उनके तर्ज पे व्हाइट मार्बल का शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर, और ये अपने आप में कमाल की कलाकृति है यहाँ पे। और मतंगेश्वर मंदिर जिसका फोटो अक्सर वायरल होता है, शिवलिंग जो है 18 फीट का है, 9 फीट शिवलिंग जो है अंदर है और 9 फीट शिवलिंग जो है बाहर है। कमाल की कलाकृति जो है इसके दीवारों पे उकेरी गई है, देख सकते हैं आप, और ऊपर देखिए कमाल की कलाकृति देख सकते हैं, और अलग अलग जगहों पे जो है यहाँ पे मूर्तियाँ हैं देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी मूर्तियों को जो है वो तोड़ दिया गया, खंडित कर दिया गया, इस वजह से जो है यहाँ पे पूजा नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ मतंगेश्वर मंदिर जो है टेंपल जो है वो बाहर है और वहाँ पे पूजा होता है। ये देख सकते हैं सभी मूर्तियों को जो है वो खंडित किया गया है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे पहले जो है नृत्य होता था, और अलग अलग जगहों पे जो है झरोखा बना हुआ है, लाइट आने का प्रॉपर व्यवस्था है, अंदर जो है बैठने का व्यवस्था है, बजाने का व्यवस्था है, और ये देखिए ये वो मंदिर है जिसको है अमरनाथ कहते हैं, वाइट मार्बल का पूरा जो है शिवलिंग है पूरा, लेकिन ध्यान से देखिए ये सारी मूर्तियों को जो है खंडित किया गया है, और खंडित मूर्तियों का जो है पूजा जो है हिंदू धर्म में मान्यता के हिसाब से जो है वो नहीं होता है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी मूर्तियों को, और किसने खंडित किया है वो सबको पता है, मुगल वंश के समय में जो है भारत में सबसे ज़्यादा मूर्तियों को मंदिरों को मूर्तियों को तोड़ा गया, और ये लगभग सभी मूर्तियों को जो है थोड़ा बहुत कहीं नहीं तो कहीं से खंडित किया गया है। और ये है खजुराहो का अद्भुत टेंपल जो लगभग 1000 साल पुराना है और आज भी सही सलामत है, प्रॉपर तरीके से लाइट अंदर आ सके उसका प्रॉपर व्यवस्था किया गया है, और यहाँ पे देखिए ये भी जो है खंडित किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी मूर्ति जो है खंडित किया गया है, ये भी मूर्ति जो है खंडित किया गया है, और ये परिक्रमा करने वाला मंदिर है, अंदर से भी परिक्रमा कर सकते हैं, बाहर से भी परिक्रमा कर सकते हैं।
ये देखिए इसको भी खंडित किया गया है। और यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के अलग अलग देशों से भी लोग आते हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं ये सारा मूर्ति जो है, सारा का सारा, वो सारा मूर्ति को तोड़ा गया। हालांकि तोड़ने वाले इतने बलशाली नहीं थे जो मंदिर को तोड़ पाए, क्योंकि मंदिर जो है इतना मजबूत बनाया गया है कि 1000 साल मंदिर को हो चुका है लेकिन अभी तक मंदिर को कुछ नहीं हुआ है, इतना आक्रमण झेलने के बावजूद। 85 मंदिरों का समूह यहाँ पे था और अभी जो है यहाँ पे 22 मंदिर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर में ही पूजा होता है, उसके अलावा किसी भी मंदिर में पूजा यहाँ पे नहीं होता है। और अभी हम लोग खजुराहो में हैं, खजुराहो का अद्भुत कलाकृति हम लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी जो मूर्ति है उसको तोड़ा गया है। और बस अब इस मंदिर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस अद्भुत कलाकृति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं फिर से आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, वो जिस पे ध्वज है वो मतंगेश्वर मंदिर है। वो उसके बगल में जो मंदिर है उसका लक्ष्मण मंदिर नाम है, अंदर विष्णु भगवान का जो है वो मूर्ति है। उसके बगल में जो है वो बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर है, विश्वनाथ टेम्पल है, उसके तर्ज पे उसको बनाया गया है। और ये जो मंदिर है वो अमरनाथ, यहाँ का अमरनाथ कहा जाता है, चूँकि वाइट मार्बल से बनाया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग अपना स्वतंत्र राय जरूर रखना। खजुराहो के ग्रुप ऑफ टेम्पल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, भारत का मध्यकालीन कलाकृति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, चंदेल वंश के 22 राजाओं ने मिलकर ये 85 मंदिरों को बनाया, इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।